तो आज हम देखने वाले ओजोन ट्रीटमेंट, ये बहुत ही एक एडवांस ट्रीटमेंट होता है, थेरेपी होता है। बेसिकली इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, यहाँ से हम ऑक्सीजन को इस मशीन में पास करते हैं और ये मशीन इसको ओजोन में कन्वर्ट करती है। तो जो मिक्सचर तैयार होता है वो 95% तक प्योर ऑक्सीजन रहता है और 5% तक ओजोन रहता है। तो बेसिकली जो ओजोन रहता है वो बॉडी के अंदर एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो आपकी बॉडी के अंदर हीलिंग प्रोसेस को बढ़ाएगा, साथ साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करेगा। अब ये ओजोन ट्रीटमेंट अलग अलग बीमारियों में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे दर्द हुआ, दर्द के साथ साथ अगर किसी को कैंसर है, अस्थमा है, अर्थराइटिस है, या ऐसे भी कोई रोग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, ओबेसिटी, इन सारे रोगों में, इन सारी बीमारियों में ओजोन ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से काम करता है। अलग अलग तरीके से हम इसको कर सकते हैं, जैसे एनिमा के द्वारा हो सकता है, कान के द्वारा हो सकता है, इन्हेलेशन के द्वारा हो सकता है। तो अभी हम माता जी को ईयर के द्वारा हम ट्रीटमेंट करेंगे। बेसिकली ये जो ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं इसको ईयर इंसफ्लेशन ट्रीटमेंट बोलते हैं। ये ट्रीटमेंट काम करेगा, इनको नींद आने में दिक्कत होती है, इंसोमनिया का थोड़ा इशू रहता है, नींद अच्छे से नहीं होती है, तो ये ब्रेन की तरफ ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाएगा और इस तरीके से ये असर करेगा। तो अभी जो हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं इस पे हमको कंसंट्रेशन सेट करना होता है, जो काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा नींद के लिए। तो अभी हम ओजोन ट्रीटमेंट माताजी के लिए करने वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन का सप्लाई स्टार्ट करेंगे। ये ऑक्सीजन का सप्लाई यहाँ से मशीन के द्वारा हमने ऑक्सीजन को सेट कर दिया है। यहाँ से मशीन में ऑक्सीजन जाएगा, ऑक्सीजन ओजोन में कन्वर्ट होकर इस पाइप के द्वारा यहाँ पे कान में जाएगा। तो ये काफ़ी असरदार रहेगा नींद की समस्या के लिए और एनजाइटी, स्ट्रेस, इन सारी कंडीशंस के लिए ये वाला ट्रीटमेंट बहुत इफेक्टिव। एक ट्रीटमेंट होता है जो हम बोटो ट्रीटमेंट बोलते हैं, ब्रीदिंग ओजोन थ्रू नोस्ट्रिल। तो इसमें क्या होता है, हम डायरेक्ट ओजोन को इनहेल नहीं कर सकते, इसलिए उसको इस पाइप के द्वारा ऑयल में पास करते हैं। फिर ऑयल से यहाँ से एक नेजल ट्यूब निकलता है जिसको हम नाक में लगाते हैं, ताकि वो अस्थमा रिलेटेड, सांस रिलेटेड जितनी भी समस्याएं रहती है, परेशानी रहती है, उसको ठीक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो इस तरीके से अलग अलग ट्रीटमेंट्स होते हैं और काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट भी है, जो हम यहाँ पतंजलि आत्मबोध पुणे सेंटर पर कर रहे हैं। काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट है, काफ़ी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट है। तो आप सब आकर इसका आनंद ले सकते हैं, इसका फ़ायदा ले सकते हैं।